पूरे पूरे चैनल को ऑफ एयर कर दिया जाता है। पहले एआरवाई के साथ हुआ, बोल पूरे नेटवर्क को बंद कर दिया गया है। एहतजाज करते हुए आप यानी आपको एक इख्तलाफ राय पे आपको गिरफ्तार किया गया तो हम आपको वेलकम बैक करते हैं। सहाफियों के तहफ्फुज का बिल पेश किया है, ये सिर्फ जमात इस्लामी है। फस्तायत पर मबनी रवैये, शहनशाहियत पर मबनी सफाकाना रवैये, बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियां होती हैं, गिरफ्तारी बाद में जाहिर की जाती है, पहले बंदे उठा लिए जाते हैं, मैं खुद उसका एक विक्टिम रहा हूं, और उसके बाद फिर पूरे पूरे चैनल को ऑफ एयर कर दिया जाता है। पहले एआरवाई के साथ हुआ, बोल पूरे नेटवर्क को बंद कर दिया गया है। बतौर नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, योर कॉमेंट सर। डॉक्टर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील फारूकी साहब, अभी जब आप वापस आए तो आपने कहा वेलकम बैक। आज इस प्रोग्राम में मैं भी आपको कहता हूँ वेलकम बैक। आप जेलों से, आप तशद्दुद की फिजा से वापस आए हैं। एहतजाज करते हुए आप यानी आपको एक इख्तलाफ राय पे आपको गिरफ्तार किया गया तो हम आपको वेलकम बैक करते हैं। आपकी इस जुरत को सलाम करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो अभी आपने बयान किया था कि तशद्दुद है भाई, किस चीज़ का तशद्दुद, क्यों तशद्दुद है, कौन सी डिक्शनरी में ये तशद्दुद है, कौन से आईन में, कौन से कानून में। आप चोरों और डाकुओं पे भी तशद्दुद इस तरह नहीं कर सकते को जाके आप सहाफ़ियों के ऊपर, एंकर्स पर, उन लोगों पे के जो माशरे के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं उन पर आप तशद्दुद कर रहे हैं। किस वजह से? कोई आपने चीज़ बरामद करनी है, कोई आप वो उन्होंने कुछ चोरी की है, कुछ डाका डाला है, तो गोया कि हम इस सारी सूरत हाल की जमात इस्लामी की तरफ से मुज़म्मत करते हैं। और यह जमात इस्लामी है जिसने कौमी असम्बली में और सेनेट में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किया है, ये सिर्फ जमात इस्लामी है कि हमने एक पूरा बिल दिया कि ये सहाफ़ियों के साथ कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए, इनको इजहार राय की जो आईन एक इजाज़त देता है उस इजाज़त के इस्तेमाल के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए जी। कोई और जमातों ने हमारा साथ नहीं दिया लेकिन हम इस पर कायम थे, आज भी कायम है। हम समझते हैं कि ये सहाफ़ी हमारा चेहरा है, ये हमारी आवाज़ है, ये हमारा कलम है, ये हमारी गुफ्तगू है, ये हमारे मुआशरे का आईना है। अब ये कि अगर किसी को आईने के अंदर अपनी शक्ल अच्छी नहीं नज़र आती तो उसको चाहिए कि अपनी शक्ल को ठीक करे बजाय इसके कि आईने को नुकसान पहुंचाए या आईने को तोड़े। इसी तरह बोल के ऊपर जो कदगन और पाबंदी लगाई गई, हम नहीं समझते कि इसका क्या जवाब है। भाई आप ठीक है, हर चैनल को अपनी एक पॉलिसी बनाने का हक है, वो किसी की हिमायत कर सकता है, वो किसी की हिमायत के अंदर किसी हद तक भी जा सकता है, लेकिन ये कि आप उस पर आईन की किस शिक के तहत, किस आर्टिकल के तहत आप उस पर पाबंदी कर रहे हैं, बट ठीक है बोल की पॉलिसी से किसी को भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस पर पाबंदी लगाई जाए। इख्तलाफ राय सुनने का हौसला पैदा करें, आप इसकी इसके रास्ते में रुकावट ना डालें। फिर उसके बाद ये कि ये जो आप है कि चीज़ हो तो नहीं सकती कि दबाई तो नहीं जा सकती, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और वो जो कहा है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे जी, तो वो तो फिर भी आवाज़ आती रहेगी, तो आप किससे छुपाएंगे, किससे इसको मख्फी रखेंगे। तो इस लिहाज से हम इस सूरत हाल की हर दौर में हमने किया है, यानी ये नहीं है कि ये जो एक तकाबल होता है ना जी, फलां भी ये करता रहा, फलां भी ये करता रहा, लेकिन जब फलां ने किया हमने उसकी भी मुखालफत की, जब फलां ने किया तब भी मुखालफत की। हम ये समझते हैं कि कुछ अकदार होती हैं कि जो अकदार जो हैं वो मुश्तरका मता होती हैं पूरी सोसाइटी की सर। ये हमारी सोसाइटी की मता है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए, हम इसकी हिफाजत करते हैं, हम करेंगे। किसी पे होगा, कोई हमारी पॉलिसियों से इख्तलाफ करने वालों पे भी होगा, हम उनका भी साथ देंगे। हमें चैनल से विशेष शिकायत हुई कि हमें हिस्सा नहीं मिलता, खबरों के अंदर हम बड़े बड़े जलसे करते रहे, हमारी रैलियाँ निकाली, हमने ट्रेन मार्च किया, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं कि भाई ठीक है उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है
कि हम उनकी जबाबंदी कर दी जाए या उनको रोक दिया जाए या उनके सहाफियों को अरेस्ट किया जाए या उनकी जबाबंदी के लिए उनको रोक दिया। वेरी राइट, वेरी राइट। एक बार फिर नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।